हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वीडियो को देखा, ये वीडियो दोस्तों टिकटॉक में अभी फिलहाल वायरल चल रहा है। अगर दोस्तों आप इस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर दोस्तों वीडियो बनाते हो, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपका जो वीडियो है वो वीडियो वायरल हो जाए, या फिर गाइस आपको उस वीडियो में लाइक्स और फॉलोअर आने के आपको चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो गाइस, आपको अगर कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सीखना है तो मेरे इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देखना होगा, क्योंकि गाइस जो मेरा चैनल कंटिन्यू देखता है उसको फ्रेंड्स पता ही है किस तरह का वीडियो बनाने के लिए मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे, ताकि दोस्तों अभी कुछ इस तरह का यूनिक कॉन्टेंट का दोस्तों वीडियो बना के टिकटॉक में कुछ लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत, और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जे सर्कल ओंडा में। गाइस, अगर आप मुझे बगते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पर दोस्तों आप पहली बार आए हो, तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सिलेक्ट कर ले, ताकि गाइस मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जैसा दोस्तों मैंने आपको कहा है, आपको दोस्तों अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ही ओपन करना है। तो गाइस चलिए, आप अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन कीजिए, मैं दोस्तों वहां पर जाकर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइंड मास्टर एप्लीकेशन है दोस्तों, उसको मैंने ओपन करके रखा है। अब गाइस आपको जो बीच में न्यू फ्री फायर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले न्यू फ्री फायर में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहां पर दोस्तों जो आपको एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वो है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइंड मास्टर एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना होगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब गाइस आपको जो राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले मीडिया फ्रेंड्स को क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा, और यहां से गाइस आपको अपना पसंदीदा एक बैकग्राउंड आपको सिलेक्शन कर लेना है। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्शन करता हूं। गाइस यहां पर देख सकते हैं जो मेरा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है दोस्तों, उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको क्या करना होगा, इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। बढ़ा लेने के बाद गाइस आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद गाइस आप सीधा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहां पर गाइस मैंने उस लड़की का दोस्तों वीडियो का ग्रीन स्क्रीन दे के रखा है। आपको गाइस उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी डाउनलोड नहीं होता है, तो फ्रेंड्स आप मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे जो टिकटॉक आईडी है दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगा। डाउनलोड करके आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, जो आप राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों, और यहाँ से गाइस आपको लड़की वाले वीडियो को आपको सिलेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो लड़की का ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है दोस्तों, उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको क्या करना होगा, इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में करना है। फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद गाइस आपको जो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसको आपको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन का जब स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कॉर्माकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस वाले कॉर्माकी में क्लिक करके दोस्तों आपको जो यहाँ पर की कलर सिलेक्शन करना है वो फ्रेंड्स पहले आप यहाँ पर सिलेक्शन कीजिएगा, उसके बाद गाइस आप कुछ इस तरह से ग्रीन कलर सिलेक्शन कर लीजिएगा, और दोस्तों यहाँ से ओके करके आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर इनेबल करेंगे, कुछ इस तरह दोस्तों आपको जो पीछे का बैकग्राउंड है यहाँ पर दिखने लगेगा। अब गाइस आपको क्या करना होगा, जो देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दोस्तों यहाँ पर मेरा कुछ एक्स्ट्रा रह जा रहा है, तो गाइस मैं क्या करता हूँ पहले इसको मैं कुछ इस तरह से हटा लेता हूँ। गाइस यहाँ पर देखते हैं जो मेरा एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है उसको मैंने हटा लिया है। अब गाइस आपको क्या करना होगा, अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको जो राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा, और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों, और यहाँ से गाइस जो फोटो आप वहाँ पर लगाना चाहते हैं उस वाले फोटो को फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो फोटो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में करना है। फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद गाइस आपको जो लेफ्ट साइड में थ्री डॉट दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले थ्री डॉट में क्लिक करके आपको सेंड टू बैक ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो फोटो है वहाँ पर पीछे चला जाएगा। अब गाइस आपको अपने फोटो का ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। अब दोस्तों अपना वीडियो अगर आप शुरू से प्ले करके देखेंगे दोस्तों, तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों लेफ्ट साइड में जो ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आपको पता है आपको क्या करना होगा। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।